शांतिनगर भिलाई स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। परिजनों के साथ सुपेला थाना पहुंची कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गलत तरीके से टच करने की लिखित शिकायत पर पुलिस से की है। पुलिस ने छात्राओं का लगभग बयान दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल कन्नन आनंद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने दी है। सेंट जेवियर्स स्कूल की जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, उनके माध्यम से हमारे पास शिकायत आई थी। ये जो बैट बच्चियां जो हैं बैट टच और गलत हरकतों के संबंध में शिकायत दिए थे। जो शिकायत में जांच उपरांत पे बच्चियों का स्टेटमेंट वगैरह लेने के उपरांत पे मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आरोपी जो प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर स्कूल के उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुनासिब जो धाराएँ हैं उनके तहत में कार्रवाई की जा रही है। जो बच्चे हैं सर पूर्व में भी शिकायत किए थे उसके बाद के सामने आ रही है, उस थाने में जो शिकायत आई है उनकी अभी मिली है। शिकायत के उपरांत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर लिया गया। एफआईआर के बाद में तत्काल सक्रियता से पुलिस ने काम करते हुए आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। सर ये जो चीजें हैं विवेचना के तथ्य हैं, विवेचना में अगर ऐसी चीजें कहीं मिलती है कि किसी की कोई संलिप्तता मिलती है चाहे वो जो भी उसके उसके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्टेटमेंट्स में बच्चियों ने जो बताया कि जो ये आरोपी प्रिंसिपल है ये जो है बच्चियों को गलत तरीके से टच करना, बैट टच जो बोलते हैं उस तरीके की गलत बातें करना जो अपराध के दायरे में आता है, और बच्चियाँ चूँकि नाबालिग हैं इसलिए पॉक्सो के तहत भी दंडनीय है, तो ऐसी हरकतों के संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट कराया।